गुड मॉर्निंग। पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। क्लास थर्ड, आप अपनी ग्रामर की बुक निकालें। व्याकरण सुधा पेज नंबर 3, पाठ 1, भाषा और व्याकरण। भाषा, भाषा सर्वप्रथम सोचने और विचारने का काम करती है। इसके बाद भाषा में बोला जाता है, फिर वह पढ़ने और लिखने में काम आती। विमल गांव में फैली गंदगी हटाने के बारे में कुछ सोच रहा था। विमल अपने दोस्तों से सफाई संबंधी रैली निकालने के लिए कह रहा है। ये ड्राइंग बनी हुई है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है। विमल और उसके दोस्त रैली के लिए नारे लिख रहे हैं। देखें आप, यहाँ पर ये नारे लिख रहे हैं बच्चे। गांव वाले नारों को पढ़कर सफाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ये सभी कार्य भाषा द्वारा हो रहे हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। पेज नंबर 4, भाषा के रूप, यानी भाषा कितनी प्रकार की होती है। भाषा के रूप 2 होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, गांव वाले बच्चों से बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तथा बच्चे सुनकर उनकी बातें समझ रहे हैं, यह मौखिक भाषा है। इसे बोलने की भाषा भी कहते हैं। लिखित भाषा, अखबार पढ़कर सभी लोग सफाई का महत्व समझ रहे हैं, यह लिखित भाषा है। इसे लिखने की भाषा भी कहते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का दूसरा नाम है बोलने की भाषा और लिखित भाषा का दूसरा नाम है लिखने की भाषाएं। अब विभिन्न भाषाएं, विश्व में यानी संसार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी, भारत में हिंदी। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी। पेज नंबर 5 देखें आप, आगे हैं लिपि। मौखिक या उच्चारित ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुख लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, विभा स्कूल जाता है, सूरत से पूरब निकलता है, हम आइसक्रीम खाऊंगा, ये गलत वाक्य हैं। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्य गलत हैं, सही वाक्य इस प्रकार हैं। विभा स्कूल जाती है, सूरज पूरब से निकलता है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। व्याकरण भाषा को सही सही बोलना पढ़ना लिखना सिखाता है, अतः भाषा के प्रयोग में कोई गलती न हो इसलिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। आज आप सभी बच्चे क्या करेंगे, ग्रामर का ये पहला पार्ट पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी ग्रामर की नोटबुक में हमने सीखा ये चारों पॉइंट आप पार्ट का नंबर लगा के नाम लिखकर ये काम करेंगे, ग्रामर की नोटबुक में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।